भाई है, उसने मुझे चैलेंज करा है 1v1 से। आप तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ठाकुर के ब्लॉग्स में। तो भाई अभी मैं फिलहाल जिम के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि भाई आज संडे, फिर भी मैं जा रहा हूँ। और बाकी भाई आकाश अंकित का देखेंगे, वो साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे। कि भाई मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और भाई फिलहाल मेरे घर में चल रहा है काम, और फटाफट से नीचे चल के मैं आपको घर का काम दिखाता हूँ, कितना काम हो चुका है। वाली छत पे, मतलब इस वाली के लिए में देखो, ये वाला सब मैं कलर कर दिया, और इसमें व्हाइट, पापा कह रहे थे कि इस पे ये वाला चॉकलेट ही कराना है, सॉरी क्रीम कलर करा रहा है। क्रीम कलर देख रहे हो, ये अलग और ये अलग, भाई कितना गंदा लगता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब ये कर दिया तो ये भी सेम ही कर दो। तो अभी फिलहाल क्रीम कलर बाहर में करवा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। देखो यार पूरा गलियम कितना गंदा लग रहा, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। मैं अभी अपने भाई को लेने आया था, तो मेरा भाई तो मिला नहीं, शायद वो अपने घर निकल गया है। बाइक यहीं पे खड़ी कर दी, और मैंने भाई रास्ते में जाते देखा, भाई हमारे यहाँ मेले लग रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना हमेशा यहाँ पे जरूर लगता है मेला, और यहाँ का जो मेले है ना, ये झूले जो देख रहे हैं ये वाले, भाई यहाँ के सबसे बड़े वाले झूले हैं। क्योंकि हमारे एक और हमारे घर के पास, वहाँ पे भी लगता है, मगर वहाँ पे ये सेम झूला वहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़े। हम हमेशा यहीं पे आते हैं, और इस बार दिखाता हूँ भाई क्या क्या लगा है हमारे यहाँ पे मेले में। एक ये लगा है ड्रैगन वाला, वैसे मैं इसमें कभी भी बैठा नहीं हूँ, और ना ही मेरे को भाई इसमें कभी बैठना, छोटा सा ही भाई क्या ही बैठूँ, इसमें मज़ा भी नहीं आएगा। दो तीन राउंड लगाते हैं और फिर बंद कर देते इसे। उसके बाद अभी ये है भाई, ये अभी नहीं है, मतलब उसके बाद ये है, ये अभी बने नहीं है, सेटल नहीं हुए। और बाकी भाई ये रहे इतने सारे, एक ये है मगरमच्छ वाला, ये ड्रैगन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, और एक ये सर्कल वाला। और भाई ये मैं हमेशा ना जब भी आता ना मेले में ना, इसमें जरूर बैठता हूँ भाई। ये है सबसे बड़ा वाला हमारा यहाँ का, इसमें मजा आता भाई बहुत ज्यादा बैठने में। मैंने ना इसमें ना अपनी मम्मी को बैठाया, भाई को बैठाया है, मैंने ना हमेशा ना अपने मम्मी को, अपने भाई को हमेशा इसमें बैठाया भाई। और भाई उन्हें ना इतना डर लगता बहुत ज्यादा, मुझे डर नहीं लगता मगर यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें बैठने में, क्योंकि भाई मुझे इसकी ना आदत पड़ चुकी है, उन्हें बहुत डर लगता है, तो वो बहुत कम बैठते हैं इसमें। इस बार भी जब आऊंगा तो इसमें उन्हें जरूर बैठाऊंगा। और बाकी भाई मैं और सब झूले भी दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन से जो है। इसमें ये वाला झूला है, मैं इसमें बस एक बार बैठा था, तो भाई मुझे इसमें ना बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो गई थी, उसके बाद से तो मैं इस वाले झूले में कभी बैठा ही नहीं, तो बहुत बेकार लगता है मेरे को, ये गोल गोल घूमता बहुत ज्यादा। इस वाले मजा आता मुझे। और एक वो है ना, कौन सा ये पता नहीं मेरे को यार, इसका समझ ही नहीं आता ये कौन सा झूला है, ये ऊपर नीचे जो होता है, इसका नाम भी ड्रैगन है शायद। इसमें ये एक इसमें बैठता हूँ बस, मैं इन दो झूलों में बैठता हूँ। और बाकी भाई ये देखो, अभी चलता हूँ फटाफट से घर, क्योंकि भाई यहाँ पे धूल ही धूल बहुत ज्यादा हो रही है। कोई भी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, भाई धूल धूल उड़ा जा रहे हैं, और मेरे को वैसे भी धूल से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एलर्जी हो जाती है मेरे को। तो फिलहाल भाई भी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए सीधा, फिर वहां से मैं निकलूंगा अपने जिम के लिए भी। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ भाई, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ मैं अभी, और भाई मैं हूँ अकेला अभी, सिर्फ पहली बार बना रहा हूँ भाई मैं एक हाथ से। तो गाइस अभी मैं हुआ था भाई जिम पे, और भाई मैं अंदर ब्लॉग शूट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई अंदर गाने चल रहे हैं, तो उसी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मगर एक भाई है, उसने मुझे चैलेंज करा है 1v1 आर्म रेसलिंग में, तो अभी उससे जाके मैं अंदर आर्म रेसलिंग लगाऊंगा और दिखाऊंगा भाई वो बंदा कौन है। अब आगे तो बोल, कुछ बोलते थे भाई, हम जाएंगे लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से भाई आ गया, अब सीधा बताएंगे लेफ्ट हैंड से कांड फटेगा क्या मेरा। अब रुक जा, अभी इस वाले से इधर से लेता हूँ, है ना, आप इधर से लूंगा। चल 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 चल
कैसा लग रहा तुझे हार के? कैसा लग रहा हार के भाई? हार गया मैं तो, बाद में एक महीने की बात करूंगा भाई। यार मियां खलीफे की बहन की लग रही भाई, मेरे को लग रहा था सिर्फ सीधा से जीत पाऊंगा भाई से फिर से लगाएंगे, ठीक है? नाम बता दे अपना पूरा। क्या अरे इधर देख क्या बता तू? और तेरा भाई पुष्पेंद्र, पूरा नाम बताना भाई। पुष्पेंद्र ठाकुर। हाँ भाई ठीक है भाई, एक महीने बाद मिलेंगे। दिखा पूरा शरीर, दिखा अपना हमारा वो शरीर दिखा। चलो और पोज तो ले लो अपना, अपना एक पोज। भाई अभी मैं आ चुका हूँ घर, और भाई घर पे हो रहा अंधेरा, और दिखाता हूँ भाई क्या हाल हो रहा है घर का। देखो तो भाई घर का अभी भी यह हाल हो रहा, और बाहर अभी साफ सफाई हो रही है क्योंकि घर का पूरा काम तो हो गया खत्म। अंदर पेंट का जो था, अब जो है बाहर का है, बाहर का वो कल कर देंगे। तभी मैं खा रहा हूँ खिचड़ी, खिचड़ी के साथ भाई खा के ब्लॉग का एडिट करूँगा और भाई फिर से अपलोड कर दूंगा। आज बहुत लेट अपलोड हो रहा है भाई, आज कुछ ज़्यादा लेट हो गया मेरा ब्लॉग, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पूरे टाइम घर का यहाँ से वहाँ काम करता रहा और भाई की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो मिलते भाई नेक्स्ट के मिलते हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you.